are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। मॉस्को एक्सचेंज ने रशिया के क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोग्राम से ऑप्ट आउट कर लिया। यूएस बाइनेंस एग्जीक्यूटिव टिग्रान गमरियान की हेल्थ कंसर्न्स के लिए नाइजीरिया में एक्सचेंज चाहता है। ऑस्ट्रेलियन बिटकॉइन ईटीएफ प्रूफ ऑफ रिजर्व्स इंप्लीमेंट करेगा होसेकी के साथ। बीबीबीए का स्विस ब्रांच इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को यूएसडीसी ऑफर करने लगा। वजीरएक्स हैकर ने $11 मिलियन स्टोलन ईथर को टॉर्नेडो कैश में ट्रांसफर किया। एल्केमी पे ने टेलीग्राम पर क्रिप्टो पेमेंट्स लॉन्च किए टॉन नेटवर्क के जरिए। crypto.com ने अगस्त में Coinbase को पार कर लिया और लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया। ether.5 वीजा कैश कार्ड स्क्रोल नेटवर्क पर लॉन्च करे। सोनिक ने वॉलेट क्रेडिट स्कोर्स को नो केवाईसी रिक्वायरमेंट्स के साथ पायनियर किया। 720 MS finality तक पहुंचा। हैरिस कैंपेन को क्रिप्टो को पॉलिसी स्टेटमेंट में इग्नोर करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया। 40,000 ETH डॉलर्स डेरिवेटिव एक्सचेंजेस से विड्रॉन हुआ, रिड्यूस सेलिंग प्रेशर को सिग्नल करता। डोरमेंट बिटकॉइन वॉलेट रीएक्टिवेटेड हुआ मासिव 9,985% प्रॉफिट और मिलियंस ऑफ USD के साथ। मॉस्को एक्सचेंज रशिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटीज मार्केटप्लेस ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम में शामिल ना होने का डिसीजन लिया है, जैसे कि एक्सचेंज के डिजिटल प्रोजेक्ट्स के हेड निकोलाई टुनिशकिन ने कंफर्म किया है। यूएस बाइनेंस के डिटेन एग्जीक्यूटिव टिग्रान गमरियान को नाइजीरिया में हेल्थ कंसर्न्स के लिए एक्सेस चाहता है, जैसे कि एक सीनियर नाइजीरियन ऑफिशियल ने लोकल मीडिया को बताया। पंच मीडिया ने कल रिपोर्ट किया कि नाइजीरियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक सीनियर ऑफिशियल आउटलेट के साथ एनोनिमिटी की कंडीशन पर बात की। मोनोक्रोम एसेट मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि उनका मोनोक्रोम बिटकॉइन ETF प्रूफ ऑफ रिजर्व्स वेरिफिकेशन इंप्लीमेंट करेगा एक नए पार्टनरशिप के साथ होसेकी के साथ। यह IBTC का पहला ऑस्ट्रेलियन स्पॉट बिटकॉइन ETF बनाता है जो ऐसे ट्रांसपेरेंसी मेजर्स को अडॉप्ट करेगा। स्पेनिश मल्टीनेशनल बैंकिंग जायंट BBVA ने अपने स्विस आर्म के जरिए सर्कल्स USDC स्टेबल कॉइन अपने क्लाइंट्स को ऑफर करना शुरू कर दिया है। BBVA के इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट स्विट्जरलैंड में अब सर्कल्स USDC स्टेबल कॉइन को मैनेज कर सकते हैं अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के साथ सेम प्लेटफॉर्म पर, सितंबर 9 को प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग। नॉर्थ कोरियन एंटिटी जो इंडिया के वजीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के हैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ने मंडे सुबह $11 मिलियन से ज्यादा स्टोलन ईथर को टॉर्नेडो कैश में मूव किया ताकि ट्रांजेक्शन ट्रेल को मास किया जा सके। जुलाई में हुई ब्रीच के चलते $100 मिलियन से ज्यादा का लॉस शिब, $52 मिलियन का लॉस ETH और दूसरे एसेट्स के रूप में हुआ, जो वजीरएक्स के रिजर्व्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन था, और रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू फॉलआउट को मैनेज करने के एफर्ट्स चल रहे हैं। एल्केमी पे ने द ओपन नेटवर्क के जरिए टेलीग्राम पर अपने क्रिप्टो पेमेंट सॉल्यूशंस लॉन्च किए हैं। ये एडिशन यूजर्स को पॉपुलर मैसेजिंग ऐप पर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देगा बिना प्लेटफॉर्म छोड़े, मेकिंग इट ईजियर फॉर टेलीग्राम्स यूजर बेस टू एंगेज विद डिजिटल करेंसीज। crypto.com ने अगस्त में Coinbase को सरप्राइज कर दिया। क्रिप्टो एक्सचेंज ने $95.64 बिलियन की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की सितंबर और जनरल क्रैशेस ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस और क्रिप्टो मार्केट्स के साथ। ether.5 जो अपने लिक्विड रीस्टेकिंग सर्विसेज के लिए जाना जाता है, एक नए ब्लॉकचेन बेस्ड क्रेडिट कार्ड ether.5 कैश के साथ सब कुछ बदलना चाहता है। मंडे को अनाउंस किया गया कि वो स्क्रोल, जो इथेरियम पर एक लेयर 2 नेटवर्क है, के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड को मार्केट में लाने का प्लान बनाने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।